नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कि कौन से देश के कितने खिलाड़ियों ने अभी तक ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। जहां हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के 8 खिलाड़ियों ने अभी तक क्वालिफाई किया है, जिसमें एथलेटिक्स में उसके 2 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। वहीं अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं, तो बैडमिंटन के अंदर पाकिस्तान के एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, जो लड़की है। जूडो के अंदर पाकिस्तान के एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, जो लड़का है। और शूटिंग के अंदर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, और वेट तीनों लड़के हैं। और वेट लिफ्टिंग के अंदर पाकिस्तान के एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, जो लड़का है। तो पाकिस्तान के अभी तक टोटल 8 खिलाड़ियों ने ही क्वालिफाई किया है, जिसमें 6 लड़के और 2 लड़कियां हैं। पाकिस्तान की मज़े की बात यह है कि अब की बार उसकी हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है, और ना ही 2016 में कर पाई थी। तो हॉकी उनका राष्ट्रीय खेल है, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर वो नहीं कर पाई क्वालिफाई। खैर, अगर हम जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के अभी तक 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 64 लड़के और 53 लड़कियां हैं। अब इंडिविजुअल खेल की बात कर लेते हैं कि कौन से खेल के अंदर कितने खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। सबसे पहले हम आर्चरी की बात करते हैं। आर्चरी के अंदर भारत के 3 लड़के और 1 लड़की, कुल मिलाकर 4 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। एथलेटिक्स के अंदर भारत के 23 खिलाड़ियों ने अभी तक क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें 14 लड़के और 9 लड़कियां हैं। बैडमिंटन के अंदर भारत के 4 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसके अंदर 3 लड़के और 1 लड़की है। वहीं अगर हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, तो बॉक्सिंग के अंदर भारत के 9 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। घुड़सवारी के अंदर भारत का एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, जो लड़का है। फेंसिंग के अंदर भारत के एक ही खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया है, जो लड़की है। फील्ड हॉकी के अंदर भारत की दोनों टीमों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं लड़के और लड़कियों की, तो दोनों के 16-16 खिलाड़ी, टोटल 32 जो खिलाड़ी हैं, वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं फील्ड हॉकी के अंदर। वहीं अगर हम गोल्फ़ की बात करते हैं, तो गोल्फ़ के अंदर भारत के 2 लड़के और 1 लड़की ने क्वालिफाई किया है, टोटल 3 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिमनास्टिक के अंदर भारत की एक ही खिलाड़ी ने अभी तक क्वालिफाई किया है, जो लड़की है। और जूडो के अंदर भारत के एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, वो भी लड़की है। रोइंग के अंदर भारत के 2 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, दोनों लड़के हैं। सेलिंग के अंदर भारत के 4 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की है। शूटिंग के अंदर भारत के 15 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 8 लड़के और 7 लड़कियां हैं। स्विमिंग के अंदर भारत के, जो भारत के लिए अब की बार फर्स्ट टाइम जिसमें अच्छे से जो डायरेक्ट क्वालिफाई किया है, उसमें 3 खिलाड़ी क्वालिफाई किया है अभी तक, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। टेबल टेनिस के अंदर 4 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, 2 लड़के और 2 लड़कियां। टेनिस के अंदर सिर्फ 2 लड़कियों ने ही क्वालिफाई किया है। और वेटलिफ्टिंग के अंदर एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है। और रेसलिंग के अंदर भारत के 7 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर ओलंपिक टीम। तो जल्दी ही हम देखेंगे कि भारत के कितने खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।